लाइव थे जहाँ पर बात किए फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग, और यहाँ पर उनका भी सेम यही कहना था की एग्जाम के बाद और आईपीएल से पहले काफी ज्यादा हाई चांस है गेम के आने के। करियर ने हम सबको ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स बोला, इसका मतलब एफ ऑफ इंडिया जल्द आने वाला है। हाँ तो मैं तो वो तो पहले बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्स के बाद तो करियर आना ही है, बट एग्जाम्स के बाद है, पहले ये आईपीएल के साथ है, कोई आइडिया नहीं है ब्रो। ओ मैंने पहले ही आपको हिंट दे दिया क्या? मैं भी क्या बोलूँ भाई। और इसके अलावा यहाँ पर टुक्स भाई बात किए ई स्पोर्ट्स इन्फो ने जो रिक्वेस्ट किया था फ्री फायर इंडिया के ऑफिशियल से, तो जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो जहाँ पर ई स्पोर्ट्स इन्फो पेज यहाँ पर रिक्वेस्ट किए थे फ्री फायर इंडिया के ऑफिशियल से कि वो कोई रिप्लाई किए गेम के ऊपर में, क्योंकि इंडिया के अंदर में ऐसे काफी सारे लोग है जो की ई स्पोर्ट्स पे आस लगाए बैठे है फ्री फायर के। और जैसे कि आपको पता होगा ई स्पोर्ट्स प्लेयर एंड जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हैं वो काफी ज्यादा ग्राइंड करते हैं गेम को लेकर के, लेकिन गेम के रिगार्डिंग कोई छोटी सी अपडेट ना होने की वजह से उनको काफी ज्यादा दुख होता है चीज पर, तो प्लेयर्स को गेम को लेकर के कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना रहे इसलिए फ्री फायर इंडिया अपनी तरफ से कोई भी एक छोटा सा हिंट या फिर कोई अपडेट दे। तो इसके ऊपर मैं भी रिप्लाई करते हुए टुक्स भाई कहे कि वो उनका रिप्लाई ग्रेना के ऑफिशियल तक पहुंचा चुके हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, ग्रेना को मैंने जो ईस्पोर्ट्स इंडिया शायद नाम है उनका, उनके पेज में एक ट्वीट को उन्होंने मैसेज कन्वर्ट किया गया था। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं वो ग्रेना तक पहुँचा दिया हूँ, ग्रेना को मैसेज प्रॉपर मिल गया। आप लोग जितने भी स्टोरीज रखी है, जितने भी रीशेयर्स, ट्वीट्स, रीट्वीट्स, एक्स में जितने भी लोग एक्स रीएक्स बोलते हैं आजकल, ट्वीट तो है नहीं वो, तो ये सब किए मैंने तो बोल दिया ठीक है आपके पास ग्रेना तक पहुँचाना मेरा काम था, मैंने पहुँचा दिया, ग्रेना वाले ने उसको एक्नॉलेज कर लिया। आप बोलो काम करेंगे या नहीं करेंगे उनके ऊपर ब्रो। तो गाइज अभी हमारी अगली अपडेट है देसी गेमर और फौजिया जय के बारे में। तो फौजिया जय के लाइव स्ट्रीम पर कोई उनको बोलता है कि अमित भाई ने कहा है कि गेम अभी नहीं आएगा, जिस पर वो रिप्लाई करते हुए कुछ ये कहे, भाई अमित भाई ने बोला है फ्री फायर के आने का कोई चांस नहीं लग रहा। अमित भाई ने बोला मुझे बताओ गलत कहां बोला होगा, अगर अमित भाई ने बोल दिया है गेम आने का कोई चांस नहीं है, नहीं होगा ना गाइस। तो गाइज अभी हमारी अगली अपडेट है गेमिंग होरा के बारे में। तो गेमिंग होरा रिप्लाई किए फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड कुछ इवेंट को लेकर के। जी हां गाइज, आने वाले डेज के अंदर आपको फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग काफी सारी इमोट्स और बंडल्स शायद देखने को मिलेंगे गेम के अंदर जो इंडिया स्पेसिफिक होंगे, एंड इसका रीजन आपको खुद पता है कि होली आने वाली है जो कि रीजनल स्पेसिफिक इवेंट है, और हर साल गरीना फ्री फायर इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है कलर फेस्टिवल के तौर पर। एंड साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे तो आईपीएल के रिगार्डिंग भी शायद आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, मतलब काफी सारी चीजें गेम के अंदर आने वाली हैं जो इंडिया स्पेसिफिक होगी, और एक बहुत अच्छा हिंट है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें और भी चीजें देखने को मिले इंडिया स्पेसिफिक। तो गाइज अभी हमारी अगली अपडेट है रोकी भाई के बारे में। तो रोकी भाई एक चीज को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए अपनी लाइव स्ट्रीम पर, तो जब वो कास्टिंग कर रहे थे उनको बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे काफी सारी चीजों के, अनबिलीवेबल रेंज नाउ एट अनबीटेबल प्राइस नाउ बुक ओलिया कैब। अबे क्या नोटिफिकेशन आते हैं MJ, मैं गाली वाली दे दूंगा कसम से बोल रहा हूँ। एक तो लाइव हूँ, बड़ा भर के बैठा हूँ मैं, सुबह ऐसे ऐसे आड़े टेढ़े मैसेज आते रहते हैं। गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पिछले दो महीने का मेरा स्विगी का खर्चा है 35,000, समझ रहे हो 35,000। उसके बावजूद भी स्विगी बोलता है आपको 50 रुपए डिस्काउंट मिल रहे हैं खाना मंगवाइए। अबे साले 800 रुपए के खाने में डिलीवरी चार्जेस लग के 1300 का खाना हो जाता है वो, और उसमें 50 रुपया डिस्काउंट देता है। हट। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगली वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।